इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब बात मेडल वीरों के ग्रैंड वेलकम की। शान से होगा वर्ल्ड चैंपियंस का स्वागत। आज की सबसे बड़ी खबर, ओलंपिक में नया इतिहास रचने के बाद भारतीय विजेता वापस वतन लौट रहे हैं। एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर नया इतिहास लिखने वाले जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, कुश्ती के सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया और हॉकी के स्वर्णिम युग को वापस लाने वाली पुरुष और महिला हॉकी टीमें आज वापस देश लौट रही हैं। पूरे देश को एयर इंडिया की फ्लाइट AI-307 का दिल्ली में लैंड करने का इंतजार है। ओलंपिक में भारतीय तिरंगे को नया मुकाम दिलाने वाले हमारे खिलाड़ी शाम करीब 5:15 बजे देश की जमीन पर पांव रखेंगे, तो वो लम्हा खेलों के इतिहास में एक नए अध्याय के तौर पर याद किया जाएगा। अब हर किसी को शाम 5:15 बजने का इंतजार है। एयरपोर्ट से निकलकर सभी ओलंपिक विजेता अशोका होटल जाएंगे, जहां उनका ग्रैंड वेलकम किया जाएगा। तो आज करीब 5 बजे के आसपास वो फ्लाइट लैंड होगी जिसमें भारतीय विजेता जिसके जरिए हिंदुस्तान पहुंचेंगे। 6:30 बजे होटल अशोका में एक ग्रैंड वेलकम सम्मान का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़ सकते हैं, ऐसी भी खबरें हैं। अब तक के ओलंपिक के इतिहास में सबसे ज्यादा मेडल भारतीय दल ने इस बार हासिल किया है। सिल्वर से लेकर के गोल्ड तक का सफर भारतीय टीम ने तय किया। नीरज चोपड़ा जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। हमारे संवाददाता सैयद नजीर इस वक्त होटल अशोका से जुड़ चुके हैं, जहां पर आज के का ग्रैंड वेलकम हमारे विजेताओं का किया जाना है। नजीर, किस तरह की तैयारियां हैं आपके, आपने क्या देखा, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल हुसैन, आखिरी क्षणों में जो वेन्यू है उसको बदला गया है। पहले मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में ये कार्यक्रम होना था, लेकिन मौसम ख़राब है, बारिश की संभावना है, इसके मद्देनज़र अब प्रोग्राम को अशोका होटल में शिफ्ट किया गया है। और जैसा कि मालूम है कि जब खिलाड़ी शाम 5:15 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे, ज़बरदस्त स्वागत की तैयारी है और वहाँ से सीधे उनको अशोका होटल लाया जाएगा, जहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है, उनको सम्मानित किया जाएगा। खेल मंत्री खुद यहाँ मौजूद रहेंगे, उनको सम्मानित करेंगे। इसके अलावा पूर्व ओलंपियन भी यहाँ रहेंगे। इसके अलावा ये भी खबरें मिल रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल के जरिए इनको संबोधित करेंगे और पूरे कार्यक्रम में वर्चुअल के जरिए शामिल होंगे। आपको बता दें, तमाम खिलाड़ी, जैसा कि मेडल टैली में भारत ने इस बार ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है और कुल 7 मेडल इस बार भारत की झोली में आए हैं। एक गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा का है, जिसके अलावा 2 रजत और 4 ब्रॉन्ज मेडल भी शामिल है। पूरी तैयारी की जा रही है, आखिरी क्षणों में ये बदलाव किया गया है। अंदर अशोका होटल के अंदर कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जा रही है, किस तरह से कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, और फिलहाल मीटिंग का सिलसिला जारी है। हुसैन नजीर, अशोका होटल के अंदर अगर आज का कार्यक्रम होना है तो फिर इसका मतलब ये भी हुआ कि जो चाहने वालों की अच्छी खासी भीड़ जुटनी थी उसको भी लिमिटेड किया जाएगा। कैसे भीड़ को कंट्रोल करने का तरीका रखा जाएगा, क्या जो लोग जाना चाहते हैं होटल अशोका जाकर के आज के कार्यक्रम को देखना चाहते हैं, उन सभी को जाने की इजाज़त होगी या कोई ख़ास तरीका अपनाया जाएगा जिसके ज़रिए कुछ चुनिंदा लोगों को ही जाने की इजाज़त होगी? हुसैन, जैसा कि पहले जो कार्यक्रम था उसको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया आयोजन कर रहा था उसका, और दिल्ली पुलिस को बाकायदा चिट्ठी लिखी गई थी कि भीड़ जुटेगी, भारी भीड़ जुटेगी, उसके लिए सुरक्षा बंदोबस्त किए जाए, और पुलिस ने भरोसा दिया था कि पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के किए जाएंगे। लेकिन वेन्यू बदला गया है, अशोका होटल के अंदर है। जो खिलाड़ी एयरपोर्ट से आएंगे सीधे VIP गेट से उनको अंदर एंट्री दी जाएगी। जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो मंत्री हैं, उनको सीधे VIP गेट से एंट्री दी जाएगी। लेकिन जो लोग आएंगे, जाहिर सी बात है लोगों की भीड़ जुटेगी, एयरपोर्ट पर भी ज़बरदस्त जमावड़ा होगा लोगों का, और लोग ढोल नगाड़े के साथ पहुंचेंगे और अशोका होटल के बाहर भी ये नज़ारा देखने को मिल सकता है। जाहिर सी बात है लोगों की भीड़ यहाँ भी जुट सकती है। हुसैन, तो जैसा कि नज़ीर बता रहे हैं कि अच्छी खासी भीड़ लोगों की हो सकती है, तो सवाल ये भी है कि जो स्टेडियम में प्रोग्राम होता वहाँ पर तो अच्छे खासे लोग जमा हो सकते थे, होटल अशोका में आखिर कैसे सबको एंटरटेन किया जाएगा, सारे लोगों का इंतज़ाम कैसे होगा, ये भी तो सुरक्षा को लेकर के पुलिस अधिकारियों से कुछ आपकी बातचीत हो सकी है, किस तरह के इंतज़ाम किए गए?
देखिए सुरक्षा की जहाँ तक बात है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिल्ली पुलिस को बकायदा चिट्ठी लिखकर सुरक्षा की मांग की थी। और जब हम सुबह नेशनल स्टेडियम पर थे, वहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी आए, वहाँ पर हालात का जायज़ा ले रहे थे। लेकिन इस बीच मौसम ख़राब बनी हुई है दिल्ली की, और दिल्ली के आसमान में बादल छाए हुए हैं। उसके बाद वेन्यू चेंज किया गया, और जाहिर सी बात है दिल्ली पुलिस ने अपने कार्यक्रम में तब्दीली भी की है। पहले ये था कि एयरपोर्ट से सुरक्षा व्यवस्था के साथ, तामझाम के साथ जो खिलाड़ी एयरपोर्ट पहुंचेंगे उनको सीधे नेशनल स्टेडियम ले जाना था। लेकिन अब चूंकि वेन्यू बदल चुका है, अब अशोका होटल वेन्यू है, और यहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट है एयरपोर्ट से नज़दीक है अशोका होटल, और जो रास्ते भर है वहाँ पर आप नज़र बना के रखिए नज़ीर, हम आपके पास दोबारा अपडेट के लिए आएंगे। तो अब जो है नेशनल स्टेडियम के बजाय अशोका होटल में सम्मान का कार्यक्रम रखा गया है, वहाँ पर बहुत लिमिटेड लोगों को जाने की इजाजत होगी, जाहिर सी बात है इंडोर प्रोग्राम होगा ये, लेकिन एक भव्य वेलकम की तैयारी है भारतीय विजेताओं की। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।